नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपने फोटो को चेंज करना है, काफी दिन पहले आपने बनवाया था अपना वोटर आईडी कार्ड, आप चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर फोटो चेंज करना है, तो कैसे आप चेंज कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबे टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना वोटर हेल्पलाइन करके एक ऐप आता है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आपको ओपन करना है। जैसे आप इस ऐप को ओपन करते, ओपन करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप मान लीजिए आपको वोटर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा करेक्शन ऑफ एंट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको इस प्रकार नजर आएगा, फिर लेट्स स्टार्ट इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पर अपना यस पे क्लिक कर देना है। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है तो, नहीं पता है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। चलिए हमें पता है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना है, फिर यहाँ पे फेच डिटेल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है यदि आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर सही होगा तो। प्रोसेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके वोटर आईडी कार्ड के एक बार एक मतलब कॉपी जो होती है आपको सारी डिटेल यहाँ पर शो कर देगा, आपको वोटर आईडी कार्ड की पूरी डिटेल। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड की पूरी डिटेल आ जाने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी डिटेल जब आए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है तो दर्ज कर दीजिए और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, बाकी सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप अपना यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सारा चीज़ें दर्ज करने के बाद में, यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है वही चीज़। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, इसमें क्या होता है आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जिस चीज़ में आपको करना है करेक्शन उस पर टिक कर लीजिए। जैसे हमें यहाँ पर फोटो चेंज करना था, फोटो पे क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, साथ में मोबाइल नंबर भी चेंज करूँगा मैं, तो दोनों प्रोसेस आप एक सेम ही है। यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर भी चेंज करना है, मोबाइल नंबर में नया वाला अपना दर्ज कर लूँगा जो मुझे इसमें अपडेट करवाना है, जो लिंक करवाना है। ठीक, और ये करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। उस फोटो का साइज़ 2 MB से 200 KB से कम होनी चाहिए और JPG या फिर JPEG मोड में होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर उस फोटो को भी अपलोड कर लेते हैं जो फोटो हमें चाहिए। यहाँ पर उस फोटो अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सब कुछ आपका सही है तो। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं प्लेस ऑफ एप्लीकेशन जहाँ से आप भर रहे हैं इस फॉर्म को, उस जगह का नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर देना। फिर एक बार रिव्यू कर लेना है, सब कुछ सही है ना जो मैं आपने भरा है, तो आप देख लीजिए अपना फोटो वोटो सब, ये सब कुछ सही है तो फिर अच्छी बात है, नहीं सही है तो आप वापस कट करके उसे एडिट कर सकते हैं। हमारे केस में सब कुछ सही है, फिर आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर मिलेगा जिसके द्वारा आप अपना वोटर आईडी कार्ड का कुछ भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी अप्लाई किया था वो चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, रिजेक्ट तो नहीं हुआ कहीं। तो आपको यहाँ पर देखिए अभी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आपको वेट करना होगा थोड़ी देर। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इसी रेफरेंस नंबर के साथ आप एक ओके ओपे क्लिक कीजिए। फिर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके जैसे आप बैक जाते हैं, यहाँ पर हम देखिए बैक आते हैं एंड यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करके स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर फोटो को चेंज कर पाएंगे। ठीक,